हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें आज जो पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन कंटेनर हैं और तीनों कंटेनर में क्या है, 1 kg, 1 kg वाटर है। ठीक है, कंटेनर मान लीजिए 1 है, कंटेनर 2 है और एक कंटेनर 3 है। तो तीनों कंटेनर में क्या है, 1 kg वाटर है। और तीनों कंटेनर में हमने क्या किया, पहले कंटेनर में, ठीक है, इसमें 30 ग्राम यूरिया डाला, दूसरे कंटेनर में हमने 90 ग्राम ग्लूकोज डाला और तीसरे कंटेनर में हमने 171 ग्राम सुक्रोज ऐड किया। आपको पता है तीनों ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, यहाँ तक क्लियर। अब अगर इनका हम मोल निकालें तो मोल कितना होगा, यूरिया का मोल तो 30/ मोलर मास 60/, तो 1/2। ग्लूकोज का मोल निकालें तो 90 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, ये भी 1/2। सुक्रोज का निकालें तो 171 मोलर मास 342, यानी कि ये भी 1/2। तो तीनों यानी कि सल्यूट का मोल क्या है, 1/2 है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैंने ये जो ऐड किया है सब में नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तो आपको पता है एक टॉपिक पढ़ा था कि नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने पर लो वेपर प्रेशर लो हो जाता है, जिसको बोलते थे आर एल वी पी। अगर पहले सोल्यूशन का एक्स है, दूसरे सोल्यूशन का RLVP अगर मैंने Y लिया और तीसरे सोल्यूशन का RLVP मैंने क्या लिया, अगर Z लिया, ठीक है ना, तो तीनों सोल्यूशन का क्या ये RLVP है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। ओके, तो अगर RLVP जो होता है, अगर RLVP जिसको मैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बोलता हूँ, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो तीनों केस में क्या है, सेम है। ओके, यानी कि इस केस में क्या होगा, x = y = z। बात समझ में आ रही है, तो तीनों केस में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, जिसमें 30 ग्राम यूरिया है, 90 ग्राम ग्लूकोज है, 171 ग्राम सुक्रोज है, फिर भी RLVP क्या आया, सेम आया। तो यानी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें क्या सेम है, मोल देखिए, मोल इसका भी 1/2 है, 1/2 है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल तीनों केस में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या, अगर मोल सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो ये जो RLVP जो प्रॉपर्टी है एक सोल्यूशन की, वो बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, तो हम बोल सकते हैं RLVP ना डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, नॉट इट्स नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि तीनों का नेचर क्या डिफरेंट है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज तीनों अलग कंपाउंड हैं, इनका अलग केमिकल और फिजिकल नेचर है, उसके बावजूद भी इनकी RLVP क्या है, सेम है। तो बेटा ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच depends
अपॉन नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इन डिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है ना, इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर, इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग को चार टाइप के है ना, देयर आर, तो टाइप ऑफ सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहला है आरएलवीपी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा केस था, वो सॉल्यूशन जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो। दूसरी प्रॉपर्टी इसको है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। उसके बाद से कुछ और बातें इसमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो मोलालिटी पे क्या करती है, मेनली डिपेंड करती हैं। और एक और चीज़ है कि कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या क्या कंडीशन है सॉल्यूशन के लिए। तो पहला कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, और दूसरा है सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्यूशन के लिए होती है, तो पहला क्या है कि एक तो सॉल्यूशन वोलाटाइल डाइल्यूट होना चाहिए, और दूसरा क्या है सॉल्यूट जो आपका वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं उन सॉल्यूशन पे लगती है, ओके। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्दर जाने से पहले, कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बात हम लोग यहाँ समझ गए हैं क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये बात आपने समझ ही लिया है क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल।
इस पर क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो आप सल्यूट डाल रहे हैं तो उस सल्यूट का नंबर अंदर जाकर क्या हो जा रहा है, तो नंबर पर डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग एक टॉपिक से भी कवर करेंगे, जैसे उसको पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जैसे वाटर है, तो वाटर में अगर आपने क्या डाला, यूरिया डाला, है ना। तो यूरिया क्या फॉर्मूला बेटा होता है, NH2 CuNH2। तो यूरिया आपने डाला अंदर, तो लेकिन यूरिया क्या होगा, अंदर जाकर नहीं एसोसिएट होगा और नहीं डिसोसिएट होगा, इनमें से कोई काम नहीं हुआ। यानी ये कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले था उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिजॉल्व होने के बाद भी होगा, ठीक। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, पानी में डालते ही वो Na+ और Cl-। यानी कि अगर आपने एक पार्टिकल डाला तो इसमें क्या होगा, एक Na+ बना और एक Cl-, यानी सोल्यूशन में दो पार्टिकल हो गए। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ NaCl क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया, और डिसोसिएट करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में बढ़ गए। ओके, तो नंबर चेंज हो गया, और नंबर चेंज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बेटा क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। ओके, अब एक और केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3COH। एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में न डालकर किस में डालें, बेंजीन में डालें, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट। तो आप ये बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो ये इसे ये स्ट्रक्चर है, देखिएगा CH3C OH, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, अगेन CH3C, ठीक है ना। तो ये आपके एसिडिक मॉलिक्यूल हैं, और ये देखिए यहाँ इनके बीच में क्या बन गया, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से दो मॉलिक्यूल क्या हो गए बेटा, ये क्या हो गए, ये एसोसिएट हो गए। तो अब ये कैसे दिखेंगे, तो अब ये यहाँ ऐसे हो जाएंगे CH3COH का होल ट्वाइस, यानी बन गया डाइमर, है ना। दो थे एक हो गए, तो दो थे एक हो गए, पहले कितने थे, दो थे, अब क्या हो गए, एक हो गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या हो गया, घट गया, घट गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक जो संभावना है, तीन संभावना है कि ऐसा हम सल्यूट डालें जो कि ना एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे, या एक ऐसा सल्यूट डालें जो डिसोसिएट कर जाए, या एक ऐसा सल्यूट डालें जो कि क्या कर जाए, जो कि एसोसिएट कर जाए, क्या कर जाए, एसोसिएट कर जाए। तो पार्टिकल जो हम डालेंगे तो हो सकता है उसका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या चेंज ना हो, यानी इट कैन बी एसोसिएट, कैन बी डिसोसिएट, या नाइदर एसोसिएट आर डिसोसिएट। और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम एक जो टर्म पढ़ लेते हैं जो इस बात को गवर्न करता है कि नंबर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस टर्म को जो नाम है, जो हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या बेटा, वांट ऑफ फैक्टर। क्या नाम है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। तो अब जैसे कि मैंने डिस्कशन कर ही लिया था, तो क्या लिखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर कि इट अकाउंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन, कि एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके हैं। और वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल आई, यानी वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, ये पहला फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल
आफ्टर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर जो है ये क्या अकाउंट करता है कि पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट सन को क्या करता है, ये अकाउंट करता है। तो अब यहाँ दो केस हो सकते हैं, इनफैक्ट तीन केस हो सकते हैं। तो अगर हम लोग केस वन डिस्कस करें, अगर केस वन हम लोग ले रहे हैं क्या, केस ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन वन। वो डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है, इनिशियल ज़्यादा होगा और बाद में कितना होगा, कम होगा। बाद में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन आपका वन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिया NaCl, NaCl डिसोसिएट होगा बेटा, क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। मान लीजिए इनिशियली क्या है, इनिशियली अगर ये A मोल है तो ये बना नहीं है टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इक्वल टू किसी टाइम टी पर जब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका आइडिया आपको केमिकल में पड़ा होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट पर मोल। तो अगर अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो NaCl कितना बचेगा, तो A माइनस A अल्फा, और ये कितना बनेगा, A अल्फा A अल्फा। ये बात आपको क्लियर सबको, ठीक है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर, तो इनिशियली कितना है बिफोर डिसोसिएशन, तो वो A ही है बस, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, तो इनको जोड़ लीजिए, A माइनस अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा मीन्स A प्लस A अल्फा। तो ये बिफोर डिसोसिएशन और ये आफ्टर डिसोसिएशन है। तो वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई, क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन कितना बेटा, तो A प्लस A अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, तो वो कितना A है, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा, इसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, और अगर 100% कि इफ NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वन। तो आई क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस वन, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, टू आ गया। अगर ये बोलता है कि नहीं, NaCl 50% डिसोसिएट हुआ, तो यानी अल्फा कितना होगा बेटा, 1/2, तभी उत्तर क्या होगा, आई इक्वल टू वन प्लस 1/2, यानी कि 1.5। बात समझ में आ रही है। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, MgCl2 का डिसोसिएशन क्या होगा, Mg प्लस N2Cl माइनस। वही टी इक्वल टू जीरो पे अगर इसका मोल ए है तो ये बना नहीं होगा, और टी इक्वल टू टी पर अगर ये ए माइनस ए अल्फा है तो ये ए अल्फा होगा बेटा, ये टू ए अल्फा होगा, ठीक है ना। तो इनिशियली कितना है ए, और फाइनल कितना है, इसको जोड़ लेते हैं, तो ए प्लस टू ए अल्फा। समझ में आ रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर आई, तो ए प्लस टू ए अल्फा अपॉन ए, यानी कि वन प्लस अल्फा। तो आई इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा, कोई दिक्कत। अब ये बोला है कि MgCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पता है, तो अगर हम MgCl2 का 100% डिसोसिएशन ले, मीन्स अल्फा वन, तो I क्या होगा बेटा इस केस में, वन प्लस टू, यानी कि तीन। और अगर MgCl2 का 85% डिसोसिएशन वाले रहे हैं, तो अल्फा कितना होगा बेटा, 1/2, तो I क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, यानी कि 2।
तो वांटा फैक्टर इस बात पे डिपेंड करेगा कितना डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आप ठीक है ना। तो ऐसे ही जनरलाइज जो इसका जनरल फॉर्मूला जो निकल कर आया वांटा फैक्टर आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इन टू अल्फा, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला वेयर आई क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर, ओके अल्फा क्या है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इन प्रोडक्ट सेट, ठीक है ना। तो जैसे अब इसी को फिर से एन ए से वाला अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या था, डायरेक्ट करूँ अगर तो एन ए सेल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई के बीच में तो एन ए सेल का होगा तो एन ए प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ एन कितना है, एन कितना बेटा थी दो निकले हैं तो यहाँ एन कितना बेटा टू है, ओके। तो आई क्या होगा तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, वन प्लस एन कितना टू माइनस वन इंटू अल्फा, यानी कि क्या जरूरत है एन प्लस। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 100% है तो अल्फा की वैल्यू 1 तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतना बात क्लियर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करें लोग कि एल्युमिनियम क्लोराइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो व्हाट विल बी वांट ऑफ फैक्टर, क्या फॉर्मूला है आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, तो आई इक्वल टू व्हाट इज एन ईयर बेटा एन टोटल कितना निकलेगा एन चार, ए एल सी एल थ्री क्या बनाएगा ए एल प्लस थ्री और थ्री सी एल माइनस, एन कितना हो गया बेटा चार, फोर माइनस वन इंटू अल्फा यानी कि वन प्लस थ्री अल्फा।